हाय फ्रेंड्स, आई मुजम्मिल है और स्टैंडर्ड एट। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया। वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ यूनिक से और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाए हूँ ताकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में कमांड आ जाए और ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग को बिल्कुल भी डर न लगे। मैं भी बताऊँगा इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बना रहे और आप लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो जब भी इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के सामने आएंगे तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे। वैसे मैंने पिछले बारी वीडियोस में मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूव दैट 1 + cos θ + sin θ / 1 + cos θ - sin θ बराबर होना चाहिए 1 + sin θ / cos θ। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना रहता है, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया और नीचे आप लोग को मतलब कि यहाँ पे प्रूफ करेंगे दे दिया 1 + sin θ / cos θ, यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी सी आइडेंटिटी है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस जो आइडेंटिटी है, जो न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है, उन सबको अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड दे दें तो इसमें से काम बन सकता है ना। तो खैर, हमें इस फॉर्म में लाना है इसको और नीचे यहाँ पे बाय कॉस थीटा है प्लस 1 + sin θ, तो काम करते हैं कॉस थीटा से इसमें कुछ इस सारे क्वेश्चन में डिवाइड देके देखते हैं। तो अगर मैंने कॉस थीटा डिवाइड दिया तो एक कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बदल जाएगी। अगर न्यूमिनेटर को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड दिया और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड दिया तो ये कुछ इस तरह से होगा कि 1 / cos θ कितना होता है, sec थीटा। मैं बेसिकली इन सबको sec थीटा और tan थीटा के फॉर्म में ला रहा हूँ ताकि हम लोग ईजिली है ना उसे फर्दर कैलकुलेट करके इसके फॉर्म में ला सकें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं और इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराए। और cos θ / cos θ 1 हो जाएगा प्लस sin θ / cos θ, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग cos थीटा से डिवाइड दे रहे हैं, तो sin θ / cos θ हो जाएगा tan थीटा, है ना। अब ये करते हैं, ये हो गया 1, इधर भी cos θ से डिवाइड देंगे तो 1 / cos θ हो जाएगा sec थीटा, cos θ / cos θ ये भी 1 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा -sin θ / cos θ - tan θ। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग को डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। अभी तक अब क्या करना है वो सब अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते थे, यहाँ पे 1 है, अब 1 का tan थीटा और sec थीटा से बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² θ के। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² θ के। तो 1 कितने बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, sec² θ - tan² θ। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 को sec थीटा और tan थीटा के फॉर्म में, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec² θ - tan² θ। इतना हमने कर लिए और नीचे हमारा है ये sec θ - tan θ, और ये कितना +1, इधर माइनस होगा, इधर माइनस हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें इस ए, ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, अब हम इसे तोड़ सकते हैं ताकि sec θ - tan θ × sec θ + tan θ फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए अब हम लोग आगे शायद कॉमन लेके सॉल्व इजली कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर हमारा क्या हो गया, इधर sec² है ना, तो इधर था हमारा sec θ - tan θ into sec θ + tan θ, इतना हमने कर लिया और नीचे है हमारा sec θ - tan θ + 1 +1। तो अब हम ये लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे sec θ + tan θ, यहाँ पे sec θ + tan θ, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने का काम कर सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं ये जितना भी हम लोग ने किया है। और नीचे हम लोग ऐसे ही रहने दें sec θ - tan θ + 1, क्योंकि ये बाद में हमें तो इसे काटना ही है ना, इधर हम
अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये कर सकता है इजिली। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिया, तो ले लिया हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या हमारा, यहाँ पे हमारा बच गया सेक थीटा प्लस टेन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा वन प्लस सेक थीटा। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो कॉमन लिया नहीं था, है ना, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर ही रह जाएगा, और उधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कॉमन चला गया, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर सेक थीटा प्लस टेन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे हमारा ये फायदा हो गया कॉमन लेने से कि ये जो नीचे वाला जो हमें परेशान कर रहा था डिनोमिनेटर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने कॉमन लेके सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन की फॉर्म लिख दिया, नीचे भी वही है सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन, तो ये भी सेम ये भी सेम। तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस दोनों को काट ही देते, मैंने इन दोनों को काट दिया। अब हमारा बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब हमारे लिए और आसान हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें चाहिए साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे और ये हमारा इसमें आ भी जाएगा वन बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉस थीटा ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। ऊपर क्या बच जाएगा हमारा वन प्लस साइन थीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया इस आइडेंटिटी को इसके बराबर, मतलब वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मेनली इसमें करना क्या रहता है, कॉस थीटा से हमें इसे डिवाइड देना रहता है, और अगर हमने इसे कॉस थीटा से डिवाइड दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो हम इसे बेसिकली सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में ले आते हैं। जब हम इसे सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में ले आते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे वन भी बचेगा, फिर वन को है ना हम लोग मतलब कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले तोड़ के कॉमन लेके, बाकी तो फिर अलजेब्रा ही है, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतनी बिहार नहीं होती है ना। फिर वहाँ पे आप लोग कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में तोड़ देंगे, फिर उसको है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के मतलब की फॉर्म में ले आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा बराबर होना चाहिए वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। अगर आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें भी जो प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, उसी की तरह उसी का कंसेप्ट है, और इसमें भी हमें वही प्रूफ करना है वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस इधर की जो क्या तो कहते हैं आइडेंटिटी है वो बस बदल चुकी है, मतलब पहले वहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे आप साइन थीटा, तो इसमें भी आप लोग को कहीं ना कहीं वही करना है जो मैंने आप लोग को बता रखा था। तो जब भी आप लोग के पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग कर सकते हैं कि इन सब को कॉस थीटा से डिवाइड कर देख सकते हैं, फिर इसको आप लोग सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में ये आ जाएगा, और जब ये सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, उसी से कहीं ना फिर उसके बाद अलजेब्रा अलजेब्रा कर करके आप लोग इजिली इससे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आई होप कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये डू इट योर सेल्फ डी आई वाई। तो जो हमारा जो दूसरा दूसरे तरह का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होना चाहिए सेक थीटा बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा की, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपके सामने आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है, तो टैन थीटा से ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने में सहज नहीं रहा है। हम लोग सोच सकते हैं कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है उसको हम लोग साइन उसको भी हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिया है, ताकि बाद में हम लोग इजिली इसे सॉल्व कर सकें, फिर बाद में हम इसे सेक थीटा और कॉसेक थीटा के फॉर्म में इजिली ले आएंगे। सबसे पहले हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में इसे तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि टैन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में रहकर अगर इंटू करेंगे तो कुछ होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसे टैन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म से तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टैन थीटा प्लस, तो ये तो वन को वन ही रहने देंगे, टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इंटू यहाँ पे साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। अब इसे हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर वन की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इसे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसका डिनोमिनेटर क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट गया तो बचा साइन थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा साइन थीटा कटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी हमने इसे साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म में तोड़ लिया ताकि हम लोग आगे सोच सके, है ना। अब हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को वन लिख सकते हैं, अगर हम इसे वन लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इंटू ए बी, और ये क्या है ए माइनस बी, है ना। मतलब कि अगर साइन थीटा को मैं ए ले लेता हूँ कॉस थीटा को मैं बी ले लेता हूँ तो मैं कोई इस तरह कहूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे दिमाग में आ रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तब कैलकुलेशन बड़ा ही आसान हो जाता है, तब इजिली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है ना, मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, इधर ए हमने साइन थीटा ले लिया और बी कॉस थीटा ले लिया, तो चलिए आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है साइन थीटा, ए का क्यूब मतलब साइन थीटा का क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, नीचे हमारा कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मगर अभी भी हमारा ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, इसको इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारा ये कुछ इस तरह के फॉर्म में लग रहा है, अब बस हमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर, मतलब कैलकुलेशन करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देते हैं तो इस फॉर्म में हम लोग इजीली जा सकते हैं, ये साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा कट गया, ये कॉस थीटा से ऊपर वाला कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, है ना, पड़ेगा भी नहीं, तो अब हमें सिर्फ इतना करना है आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कर देना है, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक, तभी तो हमने टैन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में तोड़ा था, अब बाद में जाके अब हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज कर देंगे जो कि होगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, वन बाई ये वन बाई कॉसेक थीटा है ना, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा वन बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो नीचे चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हो जाता है कॉस वन बाई साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा ऊपर चला जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके बराबर है, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग इस तरह से इजीली कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं कि पहले हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा तोड़ लेते हैं, फिर बाकी तो अलजेब्रा का कमाल है, और अलजेब्रा के बाद मतलब पूरा कैलकुलेशन वैलकुलेशन करके हम लोग प्रूव कर देते हैं। सो कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन था, तो चलिए आप चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि थोड़ा यूनिक टाइप। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर पी के बराबर है तो प्रूफ कीजिए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा वन बाई पी के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग फटाक से 1 मिनट के अंदर में बना लीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी के बराबर है और हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो अब हम लोग इधर क्या कर सकते हैं कि दोनों जगह हमें क्योंकि चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो दोनों जगह हम लोग सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग दोनों जगह सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे एक तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
जो कि हो जाएगा वन के बराबर। और एक बार ये वन के बराबर इधर sec थीटा इंटू tan थीटा, इधर से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन बाय वन के बराबर हो जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इजिली हट जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है वन। ये मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सबसे पहले वाले वीडियो में, जाएगा पी इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा, पी इधर से आ जाएगा तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर है वन बाई पी। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एल एच एस बराबर आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। इधर ही क्वेश्चन क्वेश्चन और कंटिन्यू होता है और क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये प्रूफ कीजिए कि कॉस थीटा बराबर है 2p by p square plus 1k। अब फिर उसी के साथ ये भी शो कीजिए, ये शो करने के बाद कि साइन थीटा बराबर है p square minus 1 by p square plus 1k। चलिए इन दोनों को हम लोग प्रूफ करते हैं क्योंकि हम अब इधर से क्या है ना, sec थीटा और tan थीटा, sec माइनस थीटा sec प्लस tan थीटा निकल गया, तो इजिली आप हम लोग इधर से भी कॉस थीटा साइन थीटा निकाल सकते हैं जस्ट। हाँ तो चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकल गया, अब हमें निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, मतलब कि प्रूफ करना है कि साइन थीटा और जो कॉस थीटा है वो इतने के बराबर होना चाहिए। तो पहले कॉस थीटा से शुरू करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता है। जब इन दोनों की वैल्यू पता है तो इन दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ तो काम करेंगे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को ऐसे ही छोड़े रहेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, पी के बराबर है। और नीचे हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से इजिली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वन बाई पी के, वन बाई पी के। इधर क्या कर देंगे, tan थीटा कट जाएगा, तो एडिंग बोथ साइड्स इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है, तो हो जाएगा एडिंग बोथ इक्वेशंस ये हो जाएगा। तो टेन से टेन कट गया, एक वैल्यू तो कट गया, दूसरा वैल्यू मिल गया। और सेक थीटा को हम लोग इजिली कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग को इजिली यहाँ तक वैल्यू ला सकते हैं। बस कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। एक बार सेक थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई फिर तो सब कुछ एकदम ही आसान है। टेन थीटा की वैल्यू तो वैसे भी कट गई, दोनों को जोड़ देंगे तो पी प्लस वन बाई पी। अब सेक थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो टू सेक थीटा, सेक थीटा क्या ले सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा, तो वन बाई कॉस थीटा तो यहाँ टू बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी। अब कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी को इधर ले जाएंगे, है ना, तो सब कुछ पलट जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा टू पी, और पी स्क्वायर प्लस वन नीचे चला जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस वन। तो हमने ये शो कर दिया, प्रूफ कर दिया कि कॉस थीटा कितने के बराबर है, टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस वन। एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। अब हमें दूसरा शो करना है साइन थीटा इतने के बराबर है कि नहीं, तो चलिए कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा भी निकल ही जाएगा। इस बार हम लोग थोड़ा अलग काम करते हैं, अब हमें है ना sec थीटा को कहीं यहाँ, अब ये जो पूरा इक्वेशन जो हमने ले लिया है इसमें से हम लोग को sec थीटा को कहीं ना कहीं से कैंसिल कर देना है और हम लोग को tan थीटा को वापस से जिंदा करना है। इसलिए क्योंकि tan थीटा को हम लोग sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम लोग tan थीटा को sin थीटा के फॉर्म में लिख लिए तो ईजिली हम लोग sin थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को ना काट के sec थीटा को काटेंगे, इसलिए हम लोग इधर माइनस से मतलब कि दोनों साइड जो है ना सेकेंड इक्वेशन का जो दोनों साइड है दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, दोनों में माइनस का साइन, दोनों दोनों को माइनस के साइन से इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस sec थीटा, ये हो जाएगा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस वन बाई पी। तो इस साइड को तो पूरा हमने माइनस ही कर दिया है ना, ये तो माइनस sec थीटा हो गया, और ये माइनस sec थीटा हो गया, तो ये sec थीटा से ये sec थीटा कट गया। अब हमारे पास आ गया tan थीटा, वो बच गया टू tan थीटा, टू tan थीटा। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर दिए फिर से एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा, इस बार हो जाएगा ये कितना है,
पी प्लस माइनस वन बाई पी, प्लस माइनस वन बाई पी, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है ना, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन बाई पी। तो टू टेन थीटा हमारा कितने के बराबर आ गया, पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी। टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू पी, टू इधर चला जाएगा है ना। अब साइन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी निकली थी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस वन। तो साइन थीटा हमारा इधर ही रह जाएगा, साइन थीटा इधर ही रह गया, कॉस थीटा उधर चला जाएगा, हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू पी, और कॉस थीटा जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, टू पी बाई पी स्क्वायर प्लस वन। टू पी से टू पी कट गया, अब जब टू पी से टू पी कट गया, अब इजली हमारा आंसर निकल गया, वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस वन। तो हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया और एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, हेंस प्रूफ्ड। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चंस, और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करके समझ गए होंगे। जब भी आप लोग के सामने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग से सारे क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट भी बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज।